या तो बोलते हैं अंत प्रद्रव्य जाल का, ये भी आपका क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स होता है, ठीक है, और कैसा होता है, ये भी यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब ER के बारे में थोड़ा हम एक फिगर आउट कर लेते हैं और आपको फिर बताते हैं, ठीक है। एक फिगर आइए देख लीजिएगा, ये जैसा कि मैं बनाती हूँ, ये क्या होगी आपकी सेल, क्या हो गई सेल, आपकी सेल हो गई है। सेल में आपका बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस से लगी हुई आपकी क्या होती है, ER, क्या होती है, ER, न्यूक्लियस से लगी हुई क्या होती है आपकी, ER, ये क्या है आपकी, ER, ठीक है। कुछ यहाँ भी पड़ी होंगी, है ना, कुछ यहाँ भी पड़ी होंगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी साइटोप्लाज्म, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, ये आपकी होगी सेल, और ये होगी आपकी ER, और ये भी है ER, तो ये कैसी है आपकी, रफ ER, रफ को क्या बोलेंगे, खुरदरी, और ये स्मूथ ER, अंतर यही बता दे रही हूँ। देखो मैंने सिर्फ ER को ही लिया है, आपकी कोशिका में क्या है, ये है आपकी रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है चिकनी, रफ का मतलब होता है रूट्स या खुरदरी, ठीक है। तो ये खुरदरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें ये क्या लगे हैं आपके, छोटी छोटी राइबोसोम्स, क्या लगे हैं ये, राइबोसोम्स, ठीक है, ये हो गए आपके राइबोसोम, और जिस पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं उसको कहते हैं स्मूथ या चिकनी अंतः प्रद्रव्य जाल का। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी खोज, अंतः प्रद्रव्य जाल का की खोज KR पोर्टर ने की थी, किसने की थी, KR पोर्टर ने, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा था, मतलब इन्होंने बताया था कि जो ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये कैसी होती है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। मैंने भी आपको बताया था यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में अंदर बताया था, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। और एक स्पेशल फीचर क्या होता है इसका, जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगी अभी, तो सेल डिवीजन की प्रोफेज अवस्था में ये जो आपकी ER है ये क्या होने लगती है, अदरस डिसअपीयर होने लगती है ना। और ये क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है इसकी परिभाषा, क्या हो जाएगी, ये आपका है साइटोप्लाज्म, ये आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या है साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ, तभी पता चलेगा आपको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हाँ, अब ये देखो किस, देखो अंतः प्रद्रव्य जाल का क्या होती है, कोशिका रस में, ठीक है, साइटोप्लाज्म, सॉरी, हाँ, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में नहीं, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका कला, और कौन सी आपकी कला हो गई, ये कौन सी आपकी सेल मेम्ब्रेन, कौन सी सेल मेम्ब्रेन, कौन सी है मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कोशिका कला और केंद्रक कला के बीच में ये फैली रहती है, ठीक है, और क्या बना लेती है जाल, तो इसकी परिभाषा भी ये हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, कोशिका कला तथा केंद्रक कला के बीच में जाल सा, सूक्ष्म नलिकाओं का जाल सा फैला रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनकी तीन संरचनाएं होती हैं, आपकी कौन सी सिस्टर्नी होती हैं, और ट्यूब्यूल्स होती हैं, और वेसिकल्स होती हैं। तो आइए आप थोड़ा लिख लेते हैं, फिर बताएंगे, ठीक है। तो आ जाइए लिखते हैं इसकी डिस्कवरी, डिस्कवरी, डिस्कवरी। तो इसकी खोज किसने की थी, मैंने अभी बताया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज KR पोर्टर ने की थी, किसने की थी, KR पोर्टर, KR पोर्टर ने, ठीक है। क्या बोलेंगे, या आप नॉर्मली क्या बोलेंगे, पोर्टर ने अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज की थी, ठीक है। हम इसकी परिभाषा लिख देंगे, डेफिनेशन, परिभाषा, परिभाषा, क्या बोलेंगे, परिभाषा। तो आपकी परिभाषा हो जाएगी, कोशिका द्रव, कोशिका, यहाँ से यह है, क्या लिखेंगे, यह है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में कोशिका कला, कोशिका कला तथा केंद्रक कला, तथा केंद्रक कला के बीच में सूक्ष्म, सूक्ष्म तथा चपटी नलिकाओं, नलिकाओं का जाल होता है, का जाल होता है। तो फिर समझ लीजिएगा, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है, क्या लिखवाई है, कोशिका द्रव्य में कोशिका कला तथा केंद्रक कला के बीच में सूक्ष्म चपटी नलिकाओं का जाल होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, यह है आपकी कोशिका, यह है आपकी कोशिका कला, और ये आपकी क्या है, केंद्रक कला, इनके बीच में क्या फैला है, सूक्ष्म नलिकाओं का, चपटी नलिकाएं होती हैं, जाल फैला होता है, क्या कहते हैं उसको, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब कुछ नोट करके लिख लीजिए, लिख लीजिए, नोट, नोट है इसका, अब मैं ER लिखवाऊं तो समझ लेना, क्या है ER का मतलब, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन की कौन सी प्रोफेज में, प्रोफेज में, प्रावस्था में, ठीक है, प्रोफेज में, प्रोफेज में अदृश्य, डिसअपीयर, क्या बोलेंगे, डिसअपीयर, अपीयर होने लगती है, क्या होने लगती है, अदृश्य होने लगती है, ठीक है, अदृश्य होने लगती है, ठीक है। क्या स्टार पॉइंट हो गया नोट में, ER सेल डिवीजन की प्रोफेज में डिसअपीयर होने लगती है। आपका दूसरा पॉइंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कोशिकाओं में एब्सेंट होती है, कैसी होती है, एब्सेंट होती है, होती है, ठीक है। अब आते हैं टाइप, आपके